आ गए हैं, हम आ गए। अरे ले जाओ इसको। यहाँ यहाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। करिश्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैडम, आई एम सॉरी बट ये हमारा बच्चा नहीं है जी, किसी और का जी। जी हमको मालूम है ये आपका बच्चा नहीं है, पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका बच्चा भी आपको जरूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा जी। आप कुछ कह रहे थे? धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद कर रहे थे। आज आपने हमरा थाने का केस सॉल्व करके हम पर और हमरा थाने पे बहुत ही बड़ा एहसान किया है जी। हमें एहसान ये सब हमें तो पता ही है, मीडिया आया हुआ है उनको बताइए ना। जरूर जरूर। आइए भैया आइए। नमस्कार नमस्कार। हम आप सबके माध्यम से करिश्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि पूरा लखनऊ शहर में इनसे काबिल, इनसे होनहार कोई और पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। और एक बात करना चाहते हैं, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, करिश्मा सिंह ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि दूसरे थाने के एसएचओ उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी लखनऊ की बेस्ट ऑफिसर से। करिश्मा जी, जी आपने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, दर्शकों से क्या कहना चाहते? दर्शकों से हम सबसे पहले नमस्कार कहना चाहेंगे और उसके बाद उस किडनैपर को हम एक चेतावनी देना चाहेंगे। रमन को सही सलामत हमारे थाना में छोड़ कर जाओ, वरना अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। तुम्हारा मूवी बनाएंगे, वो भी बिना इंटरवल के। तुम भी सोचोगे कि दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम साना देखा, क्या समझे? मैडम जी, जी हमको पूरा भरोसा, आप ही हमारे बच्चे को वापस लेके आएंगे जी। एक मिनट, आप हाथ मत जोड़िए, ये हमारा ड्यूटी है और करिश्मा सिंह अपना ड्यूटी करना बहुत अच्छे से जानती है। बात बहुत हो गया, अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सबका धन्यवाद। चलिए 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 चलो 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 चलो। तो जैसा कि आपने देखा, इस इंसिडेंट के बाद रमन के माता पिता का विश्वास करिश्मा सिंह पे और बढ़ गया है। ठीक उसी तरह करिश्मा सिंह के वोट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब सिर्फ देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बाहर क्या ड्रामा था करिश्मा सिंह? शायद आपने ठीक से सुना नहीं, हमने अपने अंदाज में एक्शन लिया और बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया। अब हाँ, वो किडनैपर बुलबुल के थाने का निकल गया तो पर क्या फर्क पड़ता है, किडनैपर तो किडनैपर होता है ना। अच्छा, अगर आप बुलबुल पांडे को उसका किडनैपर ही देना चाहती थी तो आराम से करती, शांति से करती, मीडिया के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तमाशा करने का जरूरत नहीं था, वोट लेने का जरूरत था। अब जब तमाशा नहीं करते तो फिर लोगों को कैसे पता चलता कि वोट किसको देना है? हाँ ये तो है, क्योंकि करिश्मा मैडम मैडम सर से आगे निकल गई पोलिंग में। सच में? किधर, दिखाई जरा कितने। बाप रे, सॉरी मैम। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव केस है, इसलिए आप पोलिंग पर ध्यान ना देकर इस केस पर फोकस करेंगी तो बेहतर होगा। केस पर हमारा पूरा फोकस है मैडम सर। अब आप एक बात बताइए, अगर किडनैपर हमारी पकड़ में आता है तो हम उसको बधाई तो देंगे नहीं, या कोई किडनैप बच्चा हमें मिलता है तो हम उसको ये तो कहेंगे नहीं, नहीं भैया तुम नहीं, हम किसी और बच्चे को ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। फोकस तो आपका भी है इस केस में, आपको क्या लीड मिला? कोई लीड नहीं मिला है अब तक। इनफैक्ट जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे यही साबित होता है कि रमन किडनैप हुआ है। वो तो पता है मैडम सर, लेकिन किसने किया ये? इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है करिश्मा सिंह, क्योंकि रमन के पेरेंट्स के ना ही कोई जानी दुश्मन है और ना ही उन्हें किसी किडनैपर ने फोन करके फिरौती के पैसे मांगे हैं। बैठिए। धन्यवाद। आप विराट के पिताजी हैं? जी हाँ, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपके बेटे को बुला दीजिए, क्योंकि रमन के किडनैपिंग के केस के सिलसिले में हमें उससे कुछ बात करना है। सॉरी, आप विराट से बात नहीं कर सकती। वो बाहर गया है क्या? कोई बात नहीं, हम इंतजार करते हैं उसका। कहीं नहीं गया है, घर पे ही है, लेकिन अपने रूम में स्टडी कर रहा है। कल से उसके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर सकता। हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं। इतना पड़ेगा तो सर दर्द हो जाएगा उसका, 5 मिनट का ब्रेक ले लेगा तो कुछ नहीं जाएगा, उसको बुला दीजिए। How dare you? देखिए मैं भी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ,
I was the DSP. इसलिए कानून हमें मत सिखाइए। इतना तो हमें भी पता है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपके पास मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत है, कोई कोर्ट का संबंध है? है तो दीजिए, नहीं है ना तो जाइए, पहले लेकर आइए। देखिए, हम उसका ज्यादा समय नहीं लेंगे। ज्यादा समय मैं उसका लेने भी नहीं दूंगा, क्योंकि कल उसका एग्जाम है। आपके सवाल जवाब से उसका एग्जाम खराब हो जाएगा। आपको तो पता है ना, किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 99% से ज्यादा कट ऑफ है। टॉपर को ही एडमिशन मिलता है अच्छे कॉलेज में। कि मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, हम डिस्टर्ब इसलिए कर रहे हैं कि आपके बेटे ने रमन को धमकी दी थी। हाँ तो गुस्से या मजाक में क्लासमेट एक दूसरे को कुछ भी कह देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंक्वायरी करते फिरेंगे। गीता, इनकी वीडियो बनाओ ताकि शहर में लोगों को पता चले कि वर्दी पहनकर कैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, आप हमारे डिपार्टमेंट से हैं, इसलिए हम आपके साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं। नहीं तो जिस तरीके से बात आप कर रहे हैं ना हमसे, वीडियो नहीं, आपके साथ एक्शन मूवी बनाते हैं अभी, समझे आप? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं सर। जरा आप यहाँ इस तरफ आएंगे, एक मिनट जरा बात कर ले। क्या कर रही हैं आप? अरे जरा परिस्थिति को समझिए ना, परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे समय में माँ बाप जो होते हैं बच्चों के, वो थोड़ा टेंशन में होते हैं। ऐसे में अगर आपका वीडियो वायरल हो जाएगा तो क्या होगा फिर? हाँ, सबको लगेगा कि पुलिस जाके बच्चों की पढ़ाई में खलल डाल रही है। ऐसे में आपके जो वोट लगातार बढ़ते जा रहे हैं ना, वो थम करके नीचे आ जाएंगे। गुस्से को काबू में रखिए, समझ रही हैं आप? समझ गए। चलिए अभी चलिए, वापस आएंगे। गीता, बाहर छोड़ो ने। चलिए। क्यों, मिल लिए? हो गई तसल्ली? मुझे मालूम था वो किसी को भी विराट से मिलने नहीं देगा। आप लोग जानते हैं हम लोग कौन हैं? मैं हूं उसका दादा और ये है विराट की दादी। और हम लोग कहां बैठे हैं? घर के बाहर वरांडे में। क्यों? अगर हम दोनों घर के अंदर बैठ के बात करेंगे तो विराट की पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए दिन भर हम लोग घर के बाहर वरांडे में बैठे रहते हैं। अरे भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई, जो दादा दादी अपने पोते से 2 मिनट मिल के प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। हाँ पुष्पा जी, कहिए। जय हिंद मैडम सर। जय। ओह गॉड, पुष्पा जी, वैसे भी आजकल के पेरेंट्स बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, ऊपर से विराट के पापा तो एक्स पुलिस ऑफिसर है, पता नहीं क्या। खैर ठीक है, हम सोचते हैं क्या करना है। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जी जय। हाय, मायसेल्फ शना, बुलाइए जिन्होंने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। हाय, मायसेल्फ हसीना मलिक, हम ही ने आपको बुलाया। ओह हेलो, हेलो मैम। हाय, बैठो। थैंक यू। आप उसी स्कूल में पढ़ती हैं जिसमें विराट पढ़ता है? पढ़ने का पता नहीं, लेकिन एडमिशन उसी स्कूल में था। ओके, और हमें पता चला है कि आप विराट की बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट तो मैं थी ही, लेकिन फ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड। ओके, गर्लफ्रेंड। हम दोनों के बीच में इतना प्यार था जितना आसमान में सितारे नहीं होंगे, समुद्र में पानी नहीं होगा। हम समझ गए। आगे फिर क्या हुआ? फिर हमारे बीच में सौतन आ गई। सौतन? हाँ, उसकी किताबें, उसकी पढ़ाई मेरी जिंदगी में सौतन बन के आई। हम ठीक से समझे नहीं। आप भी नहीं समझेंगी मैडम, इश्क को समझना इतना आसान भी नहीं है। नहीं, हम ये नहीं समझे कि किताबें सौतन कैसे हो सकती हैं। अच्छा, वो जब हमें उससे प्यार हुआ तब विराट बिल्कुल अलग लड़का था, मस्ती खोर, घूमना फिरना, हंसी मजाक, और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। फिर धीरे धीरे उसके नखरे बढ़ने लगे। नखरे मतलब उसके पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा, और टॉप करने के चक्कर में विराट को जब देखो किताबों में ही रहने लगा। हमारा मिलना बंद, फोन बंद, मैसेजेस बंद, और करता भी कैसे, उसके पेरेंट्स ने उसका फोन ही छीन लिया था। विराट ने मुझे कई बार कहा कि उसका मन करता है कि वो घर छोड़ के भाग जाए,
मैडम पूछो मत, वो इतना परेशान रहता था, इतना स्ट्रेस में था कि उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ा। साइकोलॉजिस्ट? आपको पता है कि कौन से साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है विराट? हाँ, वो क्या नाम था, डॉक्टर संदीप शाह। यस, डॉक्टर संदीप शाह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।